नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। असम में सीएम के नाम पर एक हफ्ते से जारी सस्पेंस आज खत्म हो गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्वा सरमा के नाम पर सहमति बनाई गई है। राज्य के अगले सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ही होंगे और वहीं सर्वानंद सोनोवाल ने इस रेस में वो पिछड़ गए हैं। बता दें कि विधायक दल की बैठक में सर्वानंद सोनोवाल और बीजेपी विधायक नंदिता गरसोला ने हेमंत बिस्वा के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिस पर बाकी विधायकों ने भी सहमति जता दी है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक हेमंत बिस्वा सरमा के मुख्यमंत्री बनने के बाद सर्वानंद सोनोवाल को दिल्ली भी बुलाया जा सकता है। असम के सीएम बनने से पहले सोनोवाल मोदी सरकार में 2014 से 2016 तक खेल मंत्री भी रह चुके हैं। इसी के साथ ही अब जिस तरीके से ये बड़ा नाम जो है इस वक्त सामने आया है, साथ ही सोनोवाल ने भी अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है, तो ऐसे में जो है तस्वीरें कहीं ना कहीं असम में साफ हो जाती हैं कि निश्चित तौर पर असम के अगले मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा सरमा ही होंगे। इसी के साथ ही हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से निर्धारित तौर पर किसी भी मुख्यमंत्री का जो है बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए असम में सामने नहीं आया था, लेकिन इस बीच लगातार बैठक का दौर भी देखा गया है और इसी बैठक के दौर के बाद जो नाम, एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा जो नजर आ रहा है असम से, वो है हेमंत सरमा बिस्वा का। जहां पर उन्होंने जिस तरीके से कार्यभार की अगर बात की जाए तो असम में एक नया चेहरा, एक नई रणनीति एक जो है देखने को मिल सकती है, और सोनोवाल ने भी जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया है तो अटकलें तभी से तेज हो गई थी कि अब जो एक उसके बाद सोनोवाल के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा जो नजर आया असम में वो कहीं ना कहीं अब हेमंत का ही है। और जल्द ही हेमंत जी भी जो है आपको बता दें कि शपथ ले सकते हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें जल्द ही राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद के लिए नाम जो है पेश किया जाएगा, जिसके बाद उस पर मोहर लगाई जा सकेगी आधिकारिक तौर पर। और ऐसे में हो सकता है कि कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भी आयोजित किया जाए, तो वहीं हेमंत बिस्वा सरमा नए सीएम हो सकते हैं। तो वहीं इसी सवाल का जवाब और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान धनोज कुमार जी, डॉक्टर धनोज कुमार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। डॉक्टर धनोज, बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पल्लवी। धनोज जी, सोनोवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद अब असम के नए मुख्यमंत्री की तस्वीर कितनी साफ हो पाई है? पल्लवी, ये जो है ये पहले ही चुनाव के पीरियड में ही पता चल गया था, जिस टाइम भाजपा के, क्योंकि सीए को लेके एनआरसी को लेके जो ताल ठोक दिया था बीजेपी वाले जी असम में, उसी टाइम पता था हम जैसे पत्रकारों को भी इस बात का कि आने वाले समय में जो निवर्तमान मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और जिस तरह से हेमंत बिस्वा सरमा का एकदम संगठन में भी नाम चल रहा था और आने वाले टाइम में जो चल रहा था, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हुजूर बहुत देर कर दे आते आते जी। भाजपा को ये चीज चुनाव के जिस दिन क्लियर हुआ था 2 मई को, उसी दिन ऐसा कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इतना समय लिया, ये थोड़ा सा चिंतादायक है। मुझे लगता है कि भाजपा के संगठन समझाने में थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि जो भी विधायक थे जितने, खासतौर पर नए विधायक, तो पुराने आई जो नए कुछ नए सीटें जो जीत के आई है, उन विधायकों का पसंद जो था ये हेमंत बिस्वा सरमा ही है, लेकिन ये चयन करने में भाजपा ने पर धनोज जी, यहाँ पर अगर देखने वाली बात यह है कि जो बीजेपी की रणनीति है इस बार सस्पेंस से भरी रही, क्योंकि इन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी कोई मुख्यमंत्री पद के लिए बड़ा चेहरा नहीं सामने लाया, असम में भी यही रहा, इससे पहले उत्तराखंड में भी जो है तीरथ सिंह सरकार को जो है तीरथ सिंह रावत जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक बैठक की गई थी उसके बाद इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया, और अब असम में यहाँ पर भी कुछ ऐसे देखना मिला जहां पर सोनोवाल ने इस्तीफा दिया, बैठक हुई, इस्तीफा दिया, और अब जो है नया नाम सामने आ रहा है, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगी सोनोवाल जी की अगुवाई में ही जो है इससे पहले बीजेपी की सरकार असम में बन पाई थी। पल्लवी, ऐसा सवाल तजुर्बा है केंद्र का जी, लेकिन जहां तक बात है सबसे पहले लीडर के रूप में उभरा है असम में इन दिनों, क्योंकि ये जो सरकार अभी उसका सारा दारोमदार हेमंत बिस्वा सरमा को ही जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को लेकर जिस तरह के बयानबाजी, जिस तरह के कयास उन्होंने लगाए और जिस तरह से उसने दिया था कि आने वाले टाइम में जो एनआरसी ये लागू होगा, उस जोरदार पैरिकार के रूप में भी उभरा, और जहां की सर्वानंद सोनोवाल थोड़ा सा वहां चुप्पी साध लिया था, इसलिए पहले ये बात बहुत लक्षित हो चुका था पल्लवी कि आने वाला टाइम अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत में आती है
तो वहां जो चेहरा होगा वो बदला हुआ नजर आएगा। और जो आज आपने देख लिया कि जो सर्वदलीय बैठक में, विधानमंडल के बैठक में जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा का नाम आया और अनुमोदन करने वाले भी आप देखिए जिसने अनुमोदन किया है, इससे साफ झलकता है भाजपा के संगठन जो है वो इन दिनों दूसरे प्रवृत्ति की राजनीति करने में लगा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि धनोज जी जिस तरीके से कहा भी जा रहा है, इस बार नारा लेकर बीजेपी चली है परिवर्तन लाएंगे, तो परिवर्तन की शुरुआत खुद की पार्टी में अपने आप में ही विधायकों में ही हो रही है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है और काफी मैं खुद देखना चाहूंगी कि काफी सस्पेंस भरी राजनीति जो है इस वक्त बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, अभी जो मैं कहा ना कि उनको थोड़ा देखिए, जो कोरोना संकट काल में जिस तरह से बीजेपी सीसीटीवी में है, आज सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, जिस तरह से हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर एक स्टेट को लेकर जिस तरह से कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कि हमें मजबूर मत करिए करे फैसले लेने के लिए, पहले वो सबको देखते हुए नव निर्मित सरकार का चयन, यह जो बीजेपी एक अलग ही रणनीति बना के दिखा रहा है कि हम एक चीज को लेकर चलने वाले नहीं है। बीजेपी साफ संकेत दे रही है कि आने वाला टाइम जो है वो यह भी कह रहा है कि 2024 का जो मुखौटा है, 2024 का जो बदलाव है, उसमें भी वो संकेत दे रहा है अपने संगठन में, अपने उन नेताओं को जो नेता अपने काम से इतर, अपने ऐश्वर्य में मशगूल है, ऐसे नेताओं को संकेत दे रहा है बीजेपी कि आप यह मत सोचो कि जीत कर केंद्रीय मंत्री या माली लोकसभा चले गए तो फिर आपको पूरा टिकट मिलेगा। यह पुनरावृत्ति का जो अपना रहा बीजेपी, खासतौर पर असम से, यह संकेत दे रहा है ऐसे नेताओं को जो नेता काम के बजाय बोलने में ज्यादा ध्यान देता है। फिर बीजेपी अब जो है थोड़ा सा अपने आप को प्रमोट करने में लगा हुआ है कि किस तरह वो जनता का दिल जीत सके, क्योंकि असम में क्लियर था, क्योंकि असम में कांग्रेस। धनोज जी, अगर ये इतना ही कॉन्फिडेंट थे हेमंत को नाम को लेकर, तो पहले ही क्यों नहीं उन्हें खड़ा कर दिया गया, पहले ही क्यों नहीं ये चेहरा ले आया गया? क्या लगता है क्या रणनीति रही होगी इसके पीछे? देखिए, इनके जितने डैमेज कंट्रोल थे, कहने का मतलब जो सर्वानंद सोनोवाल के समर्थक जितने भी लोग थे, उनको मनाने में तो टाइम लगेगा ही ना, उन तक मैसेज देने में टाइम लगा, क्योंकि बंगाल की जो घटना हुई, बंगाल को लेकर जिस तरह से बीजेपी वालों की किरकिरी अभी पूरे देश में हो रही है, क्योंकि ममता तारप तंत्र लगा दिया था बंगाल में और फिर भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि 200 के पार, लेकिन उसको 77 सीट पर सब्र करना पड़ा और ममता बनर्जी की जीत हुई। और पड़ोस की राज्य असम, जहां पर कांग्रेस लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन पहले से तय था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस जो है वो बदरुद्दीन, मौलाना बदरुद्दीन के साथ, मतलब रणनीति बनाने में कांग्रेस चुक गई, और जिस तरह से प्रियंका गांधी जाके चाय बगान में सिर्फ चाय पत्ती तोड़कर जो एक संदेश दी, लेकिन आक्रामक नहीं रही, तो इससे कहीं ना कहीं लगा हेमंत बिस्व शर्मा जो है कमान कस दिया, और वो बहुत मेहनत करी का पारितोषिक उनको मिला। लेकिन आपका जो सवाल है कि आने में इतना देर क्यों कर दिया, इतना देर करने के पीछे कारण है कि सर्वानंद सोनोवाल 5 साल सरकार चलाया, वो केंद्र में भी खेल युवा मंत्री थे, तो उनको तजुर्बा तो है केंद्र का, और हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कहा कि मैं राज्य से बाहर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, खेल का भी तजुर्बा है धनोज जी, और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी बीजेपी की एंट्री जो है असम में, उन्हीं के उसमें नेतृत्व में हुई थी। जी, एक बात और ऐड कर दूं पल्लवी जी, अगर हेमंत बिस्व शर्मा को नहीं बनाता मुख्यमंत्री तो बीजेपी में टूट भी हो जाती, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा शुरू से ही कह रहा था, वो पिछली बार से ही ताल ठोक रखा था, इसलिए इस बार जो बीजेपी की मजबूरी भी रही हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का और सर्वानंद सोनोवाल को हटाने का, अगर उनको नहीं हटाते, इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाता, तो हो सकता बीजेपी असम में दो फाक हो जाता। जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है लगा बहुत फूक फूक के कदम रख रही है यहाँ पर, क्योंकि एक मजबूत सरकार का भी गठन करना है और इसके साथ साथ नेतृत्व भी करना है जनता का, क्योंकि इसी को देखते हुए असम में काफी फूक फूक का कदम रखे हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं होने दिया। लेकिन धनोज जी, ये जानना चाहूंगी क्या लगता है कब तक आधिकारिक तौर पर जो है नाम सामने आ पाएगा, क्योंकि कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि शाम तक ही जो है पेश कर दिया जाएगा गवर्नर के सामने और इसके बाद कल ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से ये डिफिकल्ट रहा बीजेपी के लिए नामों का चयन करना, लेकिन अभी भी कुछ कमियां है, अभी भी बीजेपी को डर है कि कहीं बीजेपी, देखिए बीजेपी मौका नहीं देना चाहती असम में किसी को कि कोई विरोधी उनके ऊपर उंगली उठाए, तो सोच समझ कर गवर्नर हाउस से बुलावा आएगा, क्योंकि जब नाम भेज दिया जाता तो बुलावा तो आएगा ही, जैसे नाम को भेजा जाएगा बुलावा आ जाएगा,
लेकिन अभी भी बीजेपी हर बात का ध्यान रख रही है कि कहीं कोई सुगबुगाहट ना हो जाए, कहीं किसी को मौका ना मिल जाए बोलने के लिए। और जिस तरह से अभी विपक्ष भी चुप है, क्योंकि विपक्ष को इस टाइम खास वक्त कांग्रेस को अभी चाहिए था कि इसी टाइम आवाज उठाना चाहिए कि जनता को सर्वानंद सोनोवाल के नाम पर वो वोट मांगा, और एन वक्त पर जनता के साथ भी तो धोखा ही है। अरे मान लीजिए जब सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे उसके नाम पर चुनाव हुआ, आज उन्हीं को मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अपने कुनवा को बचाने के लिए भाजपा जिस तरह से नाम का परिवर्तन करने की कोशिश की है, यह भी तो एक तरह से देखिए कि विचित्र कहानी है बीजेपी की, कि कैसे वो मजबूर हो गए हेमंत बिस्सरवा को आगे लाने के लिए, यह भी तो देखने वाली बात है। जी दोनों जी, पर ये जानना चाहूं क्योंकि सोनोवाल जो है काफी प्रतिष्ठित नाम रहे हैं असम में और काफी साख भी है उनकी, और इससे उसके साथ ही अब जिस तरीके से क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सामने आ गया, तो क्या लगता है बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहने वाला है ये नया नाम और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए सर्वानंद सोनोवाल जो है मोदी जी की भी पसंद रही है जी, क्योंकि उनको बहुत अच्छा, जब वो 2014 की अगर बात करेंगे तो जब सरकार बनाया उनको एक अहम मंत्रालय दिया गया, पूर्वोत्तर के राज्य से आने वाले सांसद सर्वानंद सोनोवाल को उन्होंने एक खेल युवा मंत्री बनाया, तो इससे भी आप संकेत देख सकते हैं कि मोदी 2024 की तैयारी को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से आज कई ऐसे घटक लोग हैं जो मोदी को कह रहे हैं कि मोदी 2024 में आएंगे, मान लीजिए किसान के नेता हो गया, अभी टीएमसी की जीत हुई, जिस विपक्ष का ताकत उधर डीएमके बढ़ गया, कहीं ना कहीं अगर आप आकलन करेंगे, मुझे से पत्रकार इन बातों को देखता है, कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने के लिए, क्योंकि राज्य मान लीजिए तमिलनाडु उनके हाथ से निकल गया, मान लीजिए वहां डीएमके आ गया, चेन्नई से मान लीजिए आवाज जो कि वो घोर विरोधी है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का, हालांकि मैं मानता हूँ राज्यसभा में सीटें बढ़ेगी, बंगाल में बीजेपी के 77 सीट आने पर राज्यसभा में 2-4 सीट बढ़ जाएंगे, लेकिन लोकसभा जीतना 2024 के लिए रणनीति देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी पंजाब में चुनाव है और पंजाब में आपको पता है कि बीजेपी जो है अकाली दल के साथ, और अकाली दल भी छोड़ दिया इनको, तो वर्षों से अकाली दल के साथ था और अकाली दल केंद्र में किसान के मुद्दे पर समर्थन वापस लेकर इस्तीफा दे दिया हरसिमरत कौर ने, तो अब जो है बीजेपी के लिए पंजाब सुना सुना है, तो कहीं ना कहीं पंजाब में टक्कर जो होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की होगी, और ये अकाली दल और मान लीजिए बीजेपी, अब देखने वाली बात है गठबंधन हो पाता कि नहीं, तो 2024 की जो रूपरेखा है खासतौर पर मोदी जी वो देखकर जो नेता जीतने वाले हैं, खासतौर पर जिनको तजुर्बा है, ऐसे नेताओं को लेकर ही वो आगे आने की कोशिश। तो दोनों जी, जैसे कि तजुर्बे का आपने जिक्र किया, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनोवाल वापस एक बार केंद्र में एंट्री कर सकते हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो इस्तीफा यहाँ पर दिया है वापस घर लौटने की तैयारी है, जिस तरीके से पहले वो केंद्र में मंत्री थे, खेल मंत्री थे, और आप एक बार फिर से केंद्र में वो शामिल हो सकते हैं, तो क्या लगता है तजुर्बेकारों को वापस दिल्ली बुलाया जा रहा है? अभी संकेत साफ है जी, सर्वानंद सोनोवाल को लाएगा केंद्र में, क्योंकि उनको तजुर्बा भी है, और दूसरी बात असम में ये चाहते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि 77 सीट इन्होंने जीता है बंगाल में जी, तो अभी से ये कुछ ऐसा करेंगे कि अगला बंगाल में ये बीजेपी को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि 3 से 77 हो गए, तो असम में मान लीजिए एनआरसी सीए जब लागू करेंगे ये, और हेमंत बिस्व शर्मा जो है इनके कंधों पे बहुत भार आने वाला है, क्योंकि उनका जो छवि है एक पूर्ण हिंदुत्व का छवि है, कहीं ना कहीं भाजपा इस कार्ड को खेलना चाहती है और सर्वानंद सोनोवाल को केंद्र में लाना चाहते, ताकि वहां असम से केंद्र में कई सीटों को जीत सके, ये इसकी रणनीति होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा ना कि कुछ राज्य जो है छिटक गए, जैसे मान लीजिए 2024 की अगर बात करेंगे बंगाल, अब हो सकता है कि बंगाल में 18 सीट आएंगे कि नहीं आएंगे गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां बहुत किरकिरी हो गई है मोदी जी की, और जिस तरह से इल्जाम लगाया ममता बनर्जी ने, जिस तरह से सारे तंत्र को लेके, अब तो धनोज जी बंगाल में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया है, जैसे कि आपने कहा कि 3 से 77 पे पहुंच गए हैं, हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाए। नहीं नहीं वो जोर आजमाइश करेंगे वो जी, ये उनके फायदेमंद है, लेकिन मैं जो आपको 2-3 दृष्टि बताया ना, 2024 में जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा है कि अब मैं सीधे बनारस कूच करूंगी, अरे वो कलकत्ता से सीधे बनारस कूच कर रही है, और जिस तरह से उन्होंने मान लीजिए बीजेपी को पटकनी देने का जो बात करी है, तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी की ग्राफ जो है ठोकर तो मारेगा ना,
तो इसलिए ये चाह रहे हैं मोदी जी खासतौर पर बीजेपी का संगठन कि ऐसे नेताओं को फ्री हैंड करे, केंद्र में लाए जो 2024 में जीत कर फिर से सरकार बनाए। जी धनोज जी, अगर आपकी राय देखी जाए तो जिस तरीके से असम में नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या मानना है कि सोनोवाल बेहतर पद संभाल पाते हैं या फिर अब जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा का नाम सामने आया है, वो जिस तरीके से एनआरसी और सीएए को लेकर भी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उसको लागू कराने में कौन ज्यादा बेहतर रह पाता, वहां पर कौन बेहतर तरीके से लोगों को समझ पाता और वहां पर सीए एनआरसी लागू करवा पाता? पल्लवी, ये बात सत्य है क्योंकि जनता ने उनके काम को देखकर ही उनको वोट दिया। जी, इस बात को कहते हो कि गुरेज ने कि सर्वानंद सोनोवाल बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आया, 5 साल वहां जनता का जो डेवलपमेंट दिया उसी का नतीजा है कि बीजेपी इतनी सीटों को लेकर फिर पुनः आया। लेकिन सवाल है कि नेतृत्व जो है बीजेपी का, उस नेतृत्व का मंशा भी क्लियर है? क्योंकि देखिए एनआरसी सीए अभी तक कहीं लागू नहीं किया गया है, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है एक नई राजनीति करने के लिए जाने जाते बीजेपी, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर ले लीजिए 370-35 है, ये सब हटा के उन्होंने दिखा दिया 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, इन सबों पर अब इनको एक नया कुछ दिखाने के लिए सिर्फ असम बचा है, क्योंकि पुंडीचेरी तो वहां जैसे कुछ करने को नहीं है और केरला में तो आपको पता है वहां इन्होंने ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाया, तो इसको एक असम ही रह गया प्रयोग करने के लिए। अब असम में इसका सबसे बड़ा प्रयोग जो है नागरिकता को लेकर पीएनआरसी, इसलिए सर्वानंद सोनोवाल के रहते हुए ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट यही कर दिया गया है धनोज जी कि अब जो है सोनोवाल की जगह हेमंत का नाम सामने आ रहा है। पर इसी के साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि पूर्वोत्तर में भगवा दल की पहली सरकार गठित हुई थी और ऐसे में सोनोवाल का इस्तीफा कितना चौंकाने वाला रहा आपके लिए? देखिए, ये तो चौंकाने वाली बात है क्योंकि सर्वानंद सोनोवाल को ही वो करिश्मा नेता था जो उन्होंने वहां पहला पूर्वोत्तर में इतिहास रचा, लेकिन अभी जिस तरह से उनको हटाकर हेमंत बिस्व शर्मा को लाया या कहीं ना कहीं संगठन लोकल बॉडी जो हुआ, खासतौर पर बीजेपी के लोकल बॉडी, वो आरएसएस पर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि असम एक ऐसी जगह है जहां पर कई दबाव रहे, जैसे उल्फा का बात कर लीजिए, नागा का बात कर लीजिए, ये जितने भी फ्रंट थे इन सबों का दबाव असम पे रहा, क्योंकि असम एक ऐसा राज्य है जहां पर पानी का भी, मान लीजिए बाढ़ भी जब आता है तो ज्यादातर सतह उनके जो सकते हैं, तो सर्वानंद सोनोवाल ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जिस तरह से उनको हटाकर हेमंत बिस्व शर्मा को ला रहा है, ये साफ संकेत है कि बीजेपी कोई बड़ा प्रयोग करना चाहती है, जिस प्रयोग का उनको खामियाजा भी भुगत सकता है या हो सकता है कि 2024 में वो कोई करिश्मा कर सके। बिल्कुल, मतलब एक रिस्क वाली बात यहां पर रही है। लेकिन जिस तरीके से मीटिंग का दौर, अगर मैं धनुष जी बताऊं आपको, तो लगातार काफी मीटिंग्स की गई हैं। कल ही आला कमान ने जो है, यानी गृह मंत्रालय की तरफ से भी मीटिंग की गई थी और दोनों को वहां पर मौजूद थे, वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे, सोनोवाल भी थे वहां पर, और खुद सोनोवाल ने ही हेमंत का नाम जो है प्रस्तावित किया था वहां पर। बिल्कुल, देखिए हेमंत बिस्व शर्मा मानने वाले नहीं थे जी, बीजेपी ने उसको भी कहा केंद्र में आइए, लेकिन उसने कहा मैं राज को नहीं जाऊंगा, उसका जो राजनीतिक परिदृश्य है ना वो राज के प्रति वहां है, मैंने कहा ना संगठन का एक चेहरा है, पिछली बार ही उनका मुख्यमंत्री बनना तय था लेकिन पिछली बार उनको बीजेपी ने वेटिंग में डाल दिया था, और अभी जो इतने सीट आप देख रहे हैं ना उसका कहीं ना कहीं वो करिश्माई लीडर के रूप में, इसलिए सर्वानंद सोनोवाल केंद्र में आने को तैयार हुआ और हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मुझे यही चाहिए, तो वो जिद पकड़ लिया कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री बनना है, जहां पर पूरा जो गुजरात कैडर भी बेबस लाचार हो गया, जहां पर मोदी जी की और अमित शाह की नहीं चली। मैं आपको बता दूं अभी कुछ चीजें ऐसी हो रही है संगठन में जहां मोदी जी और अमित शाह भी बेबस नजर आते हैं, खासतौर पूर्वोत्तर राज्य को लेकर, वहां हेमंत बिस्व शर्मा के सामने अभी लाचार बेबस चाणक्य भी, क्योंकि वहां चाणक्य नीति नहीं चल पाया ढंग से, वहां इनकी नीति चली, इसलिए उनको पारिश्वसिक भी दिया जा रहा है। पर सर्वानंद सोनोवाल वो केंद्र में पहले रह चुका है और वो इजी पे मैं मान गया क्योंकि वो मोदी के बहुत करीब लोग हैं, इसलिए उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई, और जो संगठन में संगठन को भी खुश करना था क्योंकि मैंने कहा ना कि 2024 का रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जो समीकरण घटनाएं भी घटी है उसको देखते हुए मोदी के लिए, क्योंकि ये कोरोना काल जो है मोदी को छवि जो है कई जगह, क्योंकि ऑक्सीजन की कमियां, मौतें आना, ये सब चीजें जो है मोदी के लिए फूक फूक कर कदम रखने के लिए बेबस कर दिया, तो कहीं ना कहीं मैं कहा ना असम ये कोई प्रयोग करना चाहते हैं, अभी ये समझ लीजिए असम को ये बना रहा है, मतलब
प्रक्षेपण करने के लिए सेंटर बना रहा। आप यह समझ लीजिए, आज मेरी बात को कोट कर लीजिएगा, कोई ना कोई ऐसा भूचाल लाना चाहता हिंदुस्तान के अंदर जिससे पूरा हिंदू और खासतौर अल्पसंख्यक वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। जी, लेकिन धनोज जी, अगर सोनोवाल की तरफ से सोचा जाए तो अचानक से, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में भगवा रंग जो है वो पूर्वोत्तर में देख पाए, बीजेपी की सरकार बन पाई और अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्या लगता है स्वेच्छा से दिया है या किसी तरह का प्रेशर देखने को मिला उनके चेहरे पर या नाराजगी किसी तरह की, क्या लगता है? देखिए, भाजपा में स्वेच्छा से कुछ नहीं होता जी। भाजपा में हाईकमान का ऑर्डर आता है, बीजेपी कुछ भी कह ले, लेकिन बीजेपी में जो है ना ऊपर से जो आदेश आता है उसका पालन सबको करना पड़ता है जी। बीजेपी हमेशा इस बात को देखा, मान लीजिए उत्तराखंड ही देख लीजिए, तीरथ रावत को लाया गया, त्रिवेंद्र रावत को वहां से हटाया गया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि चार साल होने के बाद ये लास्ट मोमेंट में मुख्यमंत्री का चेंज होगा। वही बात आ जाती है धनोज जी, सस्पेंस भरी राजनीति यहाँ पर बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये सोनोवाल जो है हंस के तो इस्तीफा नहीं दिया, उनसे इस्तीफा लिया गया है और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है जी। एक विकल्प होता है ना कि चलो विकल्प, क्योंकि विधायक को पहले बीजेपी 7-8 दिन जब डिले हो गया चुनाव के बाद, हम जैसे पत्रकार इस बात को भली भांति जान रहे थे कि कुछ न कुछ नया करने की सोच में बीजेपी है। अगर सर्वानंद सोनोवाल को नहीं हटाते तो उसी दिन गवर्नर हाउस से आ जाता 2 मई को ही कि सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं जी। धनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय की कमी है, माफी चाहूंगी आपको, यहाँ रोक रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हम पे चर्चा करने के लिए। ऐसा भविष्य की योजना बना रही है तो इसके साथ ही जी, दोनों जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो असम में मुख्यमंत्री पद के लिए एक चेहरा आखिरकार सामने आ ही गया है, हेमंत बिस्व शर्मा का। अब देखना यह है कि कब शपथ ग्रहण समारोह होगा और आधिकारिक तौर पर असम को मुख्यमंत्री मिल पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देशों दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज़।